हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुस्कान और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम हमारा एवरीडे मेकअप कैसे करें। यूजुअली लड़कियां बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगती हैं, बट ऐसा कुछ हो जाता है लाइक कुछ स्पेशल ओकेजन्स आ जाते हैं जिसमें हमें और ज़्यादा स्पेशल रखना होता है और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगना होता है। तो उसमें हम अपने आप को कैसे और ज़्यादा फ्लॉन्ट कर सकें, तो इसलिए मैं आपको ये एवरीडे रेगुलर मेकअप बता रही हूँ जो जो ज़्यादा ओवर भी नहीं लगता है और क्लासी लुक भी देता है। बहुत ही सिंपल है, आप इसे एवरीडे भी कैरी कर सकते हैं। तो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और उसे मॉइस्चराइज कर लिया है। मैंने मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र ट्राई किया है मैंने मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक यहाँ आई बटन में मेंशन कर दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी, अगर आपको वो सूटेबल लगे तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। मैंने मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ किया है, बस दैट्स इट। उसके अलावा मैं फेस पर और कुछ नहीं है। तो आई एम सॉरी फॉर द थिंग कि मैंने काजल और मस्कारा ऑलरेडी लगा लिया था। एक्चुअली ये वीडियो शूट करने से पहले ही मैं काजल और मस्कारा लगा चुकी थी, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं आपको दिखा नहीं पाई। एंड ऑल्सो आप एवरीडे मेकअप के लिए या तो सिर्फ काजल लगा सकते हैं या सिर्फ मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया था कलोजल का काजल, कलोजल का ब्लैक काजल, एंड मस्कारा मैंने ओरी फ्लेम का यूज़ किया था। और ये दोनों भी चीज़ें आप लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ भी परफेक्ट जाएगी आपके एवरीडे मेकअप लुक के लिए। अब मैं नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही ईजी होता है, फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। ये है कलर एसेंस का HD फाउंडेशन स्टिक, ऑयल फ्री है। एज मेरी स्किन ऑयली है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑयल फ्री चीज़ें यूज़ करूँ अपने फेस पर ताकि मैं फेस और ज़्यादा ऑयली ना लगे। तो नेक्स्ट हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे। सबसे पहले चश्मा उतार देते हैं। तो ज़्यादा फाउंडेशन की तो ज़रूरत नहीं है इसलिए थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन हम लगाएंगे अपने फेस पर। आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं और अपनी नेक पे लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका फेस और आपकी नेक बिल्कुल अलग लुक देगी। अब हम लेंगे एक ब्लेंडर और सब ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। इसे हमें तब तक ब्लेंड करना है जब तक हमारे हाथ ना दुखने लग जाए, अदरवाइज तो फाउंडेशन ठीक से ब्लेंड होगा ही नहीं। आप अपने फिंगर्स की हेल्प से भी फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं, चाहे तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ ब्लेंडर की मदद से अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा फाउंडेशन ब्लेंड। तो अब नेक्स्ट चीज़ सिर्फ और सिर्फ लास्ट चीज़ है एक लिपस्टिक। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एलेटीन की लिपस्टिक, ये है शेड P30 सुपर पिंक। तो अब हम इसे लगाएंगे। सो यार दैट्स इट, वे आर गुड टू गो। दिस इज़ आर एवरीडे मेकअप लुक। ऑल्सो अगर आप चाहें तो इसी लिपस्टिक से लाइक जो कलर की आपने लिपस्टिक लगाई है या फिर पिंक कलर लिपस्टिक से आप ब्लश बना सकते हैं या आई शेडो भी बना सकते हैं। वो मैंने आपको राखी वाले वीडियो में, रक्षाबंधन वाले वीडियो में ज़रूर वो मैंने आपको रक्षाबंधन मेकअप लुक में बताया था। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी और आई बटन पे मेंशन कर दूँगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक से उससे तीन तरह से यूज़ किया था, लाइक लिपस्टिक, चीक्स के लिए ब्लश और आईज़ के लिए आई शेडो। तो वो मैंने कैसे किया था आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ जाकर। और वैसे तो आजकल हर किसी को पता ही दैट कैसे करना है, दिस इज़ दी रियली कॉमन ट्रिक नाउ एवरीबडी नोज। सो या दैट्स इट, वी आर गुड टू गो फॉर आर एवरी डे। या आप कॉलेज भी कैरी कर सकते हैं सेम मेकअप लुक आप ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं। आप इसके साथ ब्लश और आई शेडो यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम पार्टी और कैच अप विद योर फ्रेंड्स देन यू कैन यूज़ द ब्लश एंड द आई शेडो। सो या दैट्स इट।
और थोड़ी सी हेयर स्टाइल कर लीजिए जो आपके फेस को सूट करे, एंड यू आर गुड टू गो। आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। ईजीएस्ट मेकअप है लिटरली, एंड मेरे पास सिर्फ यही मेकअप अवेलेबल है, मैं यही मेकअप करती हूँ। काजल और मस्कारा के लिए आई एम रियली सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पाई, बट हाँ मैंने सेम मेकअप लुक क्रिएट करने की कोशिश करी थी वो रक्षाबंधन वाले वीडियो में, आप वो जाके देख सकते हैं। सो या आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी दिखती है ना उसको भी बजा देना। मंदिर तो नहीं है लेकिन बजा सकते हैं ना, किसी का क्या जा रहा है, राइट? सो दैट्स इट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।